वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी का जो आज एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, यानी 28 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो सेक्शंस वन और सेक्शंस टू में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं और जो कैंडिडेट मुझे प्रोवाइड किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का रियल आंसर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ सेक्शंस वन और सेक्शंस टू का, देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशंस का लेवल है, मैं इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके सेक्शंस में, ओलंपिक्स 2021 का शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिराई तोवा और सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल बिल्कुल आंसर सही था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने किस देश से हेरॉन ड्रोन लिया है? तो इजराइल से लिया है। क्वेश्चन फाइव देखिए पास्कल किसकी यूनिट है? तो ये दाब की यूनिट है। देखिए जीके साइंस सब एक में मिक्स है, ठीक है, और इसमें सेक्शन टू के भी कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन देखिए रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट प्रतिरोध को किस से मापते हैं? ओम से मापते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 7.4। जो हमारे चैनल से रेगुलर बेस से जुड़े हुए हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आया होगा जीके और साइंस में। टेंथ देखिए सबसे शुद्ध धातु कौन सी है? ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, आयरन और ब्रास। तो देखिए सबसे शुद्ध धातु है आयरन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। 11 देखिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी ग्रुप का जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है और सर्वदाता ओ ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 17 मीटर होता है। 13 क्वेश्चन पूछा गया था गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती कहाँ मिलता है? प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि मिलन स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, यही आंसर सही था। 14 क्वेश्चन पूछा गया था एक मेढक के दिल में हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 आंसर सही था। 15 क्वेश्चन देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो है ऋग्वेद। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता है। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिए ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग से क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। तो आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, अवतल दर्पण का उपयोग आप सभी देखे हैं जितने भी दंत चिकित्सक डेंटल होते हैं, और चाहे इसके अलावा हम बात करें कि जितने हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, तो ये सब आप उपयोग देख सकते हैं ऑप्शंस में क्या उपयोग दिया गया था, उसको टिक आउट करना था। क्वेश्चन 18 देखिए कह रहा है विच इज नॉट ए एलिमेंट, कौन एक एलिमेंट नहीं है? तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गैसेज जो हो जाए, देखिए मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, ये गैसेज, तो इसका आंसर था गैसेज, ठीक है, ये एक नॉट एम एलिमेंट है। क्वेश्चन देखिए 19 कह रहा है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 होता है। एक क्वेश्चन से ये पूछा गया था समस्थानिक और समभारिक से रिलेटेड तत्व तो जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए परमाणु क्रमांक जब समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो समस्थानिक होता है, और यहाँ पर अगर कहता है कि द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तो समभारिक होता है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा। 21 देखिए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आसाम आंसर सही हो जाएगा। 22 देखिए भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 24 आवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कह रहा है यहाँ पर प्लेंटी फूल का एंटोनिम्स क्या होगा? प्लेंटी फूल का मतलब होता है प्रचुर, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्केयर्स, मीगर, ये सभी क्या हो जाएगा? प्लेंटी फूल का एंटोनिम्स हो जाएगा।
मर्सीफुल का यहाँ पर साइनेंस पूछा गया था, मर्सीफुल का मतलब होता है कृपालु, इसका साइनेंस हो जाएगा फॉर गिविंग, उसके बाद हो जाएगा कॉम्पोशिनियट, उसके बाद हो जाएगा ग्रेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्रिंग आउट का फ्रेजल वर्ब पूछा गया था, यहाँ पर सोब यानी धक्का, सोब मतलब क्या होता है धक्का, कि साइनेंस पूछा गया था तो पुश फोर्स ये सभी हो जाएगा। ऑप्शंस में क्या था एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। 27 देखिए, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, वन हु कलेक्ट स्टैम्प जो डाक में जो टिकटों का संग्रह करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो फिलेटलिस्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में कुछ मैं टॉपिक बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बने। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वर्क एंड टाइम रेशियो स्क्वायर एज ट्रिगो, इन सभी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और साथ में रीजनिंग में स्त्रीज क्लॉक ये सभी आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश में देखिए आइदर, ये वाला आइदर का ये सब जो वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आ रहा है आइदर और से रिलेटेड। पैसे से चार क्वेश्चन आया था, एक डीप वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन थे, नरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये रहा टोटल आपका एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का, मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।